निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न। भगवान भी कहते हैं, भैया यदि मेरी प्राप्ति करनी है, मेरी कथा को प्राप्त करना चाहते हो तो अपने मन को निर्मल करो। पर हम सबका मन निर्मल नहीं है, बड़ा दूषित है, निर्मत्सरता भरी हुई। अच्छा, ये मत्सरता होती क्या है? कहा ऐसा समझो इसे, किसी का उत्कर्ष ना ही देखना निर्मत्सरता है। हम किसी का कोई बढ़ रहा हो उसे देख नहीं पाते। और आज का समय तो और खराब है, कोई आगे बढ़े हम चाहते ही नहीं। साथ में हम पढ़े चलेगा, साथ में हम खड़े चलेगा, पर अकेले वो आगे बढ़े ये नहीं चलेगा। कोई आगे हमसे कैसे बढ़ गया? का जिनके हृदय में ऐसी भावना है वो कथा सुनने के अधिकारी नहीं। हमेशा जिनका हृदय जलता रहता है, और खुद तो जलता है और उसी हृदय से हम दूसरों को भी जलाते हैं। एक संत कहते थे, मच्छर और मत्सर में ज्यादा अंतर नहीं है। मत्सर जलाता है हमें, मच्छर भी जलाता है। अभी दो दिनों से हम लोगों को बड़ा जलाया, वो आता है। हाँ, मच्छर की खासियत है, ऐसे नहीं आता, गाना गाते हुए आएगा, भुनभुनाते हुए आएगा, संदेश देगा, मैं आ गया, मैं आ गया। आप यदि सजग हो गए, मच्छरदानी लगा लिए, तब तो आपके प्राण बच गए। नहीं तो महाराज वो निडल साथ में लाता, वो डालता है और सीधे खून निकालता है। अच्छा, मच्छर ने आपका, आपने मच्छर का कुछ बिगाड़ा था क्या? कहा हम भले आदमी चुपचाप सो रहे थे, पर मच्छर का हमने कुछ बिगाड़ा नहीं, पर वो काट गया। ऐसे ही आदमी होते, हमने आदमी किसी व्यक्ति का कभी बुरा किया ही नहीं, पर उनसे देखा नहीं जाता। ये कैसे बढ़ा जा रहा है? हमारे रहते शहर में आए, हमको वर्षों हो गया, हमारी इतनी बड़ी हवेली नहीं बनी, ये साल भर में इतनी बड़ी हवेली खड़ा कर दी। रेस्टोरेंट चलने लगे, बड़े बड़े होटल चलने लगे, हमारी छोटी सी दुकान वही नहीं चलती। ऐसे लोगों को भागवत कथा सुनने का अधिकार नहीं है।